अस्सलाम वालेकुम कप्तान भाई, कहाँ लेके आए हो यार मुझे? ये मुंबई से कुछ 400-450 किलोमीटर दूरी की रेंज में। जी जी भाई, हमारा फार्म हाउस है। जी भाई, और ये काफी फ्रंट में उधर होटल भी बना के रखे हैं। जी भाई, और यहाँ कुछ खेत पात खरीदा गया है, या पपीते का बिजनेस चालू किया गया है, जो भारी तादाद में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी पेड़ और फल भी लगे हुए हैं। एक पेड़ पे करीब करीब 25-30 फल लगे हुए हैं। जी भाई, छोटे बड़े सभी तरह के फल हैं, और यहाँ पर बड़ी मेहनत और मकसद से तैयार किया गया है। जी, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। जी भाई, करीब 650 एकड़ की जमीन पे बसा हुआ माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, तो पपीते का ही कारोबार किया जा रहा है, और बाकी 450 बीघे पे कुछ और भी काम, कपास अपास का भी काम। क्या सर आप ये बता सकते हो कि ये महाराष्ट्र से कितना दूरी में है? 425-450 किलोमीटर की रेंज में है। जी जी जी, तो हमारा रेडीमेड का कारोबार है। तो सर ये किसानी क्या मतलब खुद करते हो कि किसान लगवा के? नहीं, यहाँ के जो महाराष्ट्र के रहवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो लोग इस खेत पात के हमारे देख रेख करते हैं। जी, और हमको क्या है, हमारा तो यहाँ सामने होटल भी है, गेस्ट भी आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं। हाँ, जब हमारा दिल किया तो हम अपने लिए पपीता जो अच्छा पका हुआ, देसी पपीता हुआ जी, उसको तोड़कर खा लेते हैं, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेज देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बड़ी मेहनत और मकसद से बना हुआ है, और हमारा रेडीमेड बिजनेस का काम है, जो रेडीमेड शर्ट का काम है, कैप्टन गारमेंट शाइन करके यूट्यूब चैनल भी चलता है, और महाराष्ट्र मुंबई शाइन में रेडीमेड शर्ट का काम है, भारी तादाद में वहाँ शर्ट की सिलाई का काम होता है। लेकिन हमने सोचा कि कुछ साइड से काम करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो जवानी भर में कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं कर पाते, इसलिए हमने एक होटल भी खोल लिया है, और यहाँ फार्म हाउस बहुत बड़ा है, जिससे हमें आने वाले टाइम पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।